हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं तो नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बिकॉज आज हम जा रहे हैं गांव पूरी फैमिली। तो थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और 6 बजे तक निकलने का प्लान है। पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है। मेरे तो एज यूजुअल 3 बैग हैं, एक कैमरे का, एक एडिटिंग का और एक कपड़ों का। तो इनको गाड़ी में रखते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं और निकलते हैं। बाकी पीयूष भी आज रेडी हो चुका है सुबह सुबह काफ़ी जल्दी, एंड मम्मी भी रेडी हो चुके हैं और यो तो रेडी रहता है। तो भी गाइस 6:30 हो चुके हैं और आधा घंटा लेट हैं, खाने पीने में टाइम लग गया बस, अभी आधा घंटा और लगेगा। तो ऑलमोस्ट 7 बजे तक, 1 घंटा लेट एज यूजुअल। आज ये रेडी होगा टाइम पे, सबसे मेन बात तो ये है। रेडी हुआ है, क्या करा है इसने उठ के? मुंह भी धोया है, मेरे को लग रहा है इसने भी नहीं करा होगा, खाली पानी से क्या है, नहीं करा खाली पानी से बार उठाया मैंने, पता है। और मैंने कहा नहा ले, नहाया नहीं है, के तैयार हो, पहले मैं उठा था 4 बजे। नहीं ना है, कब आ रहा है, मत नहीं हो, आपने नहीं कहा कि कल जाएगा तो आज मैंने कहा नहा लेगा, गर 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 लगा रहा है। सुन तो लो, साबुन लगाया मुंह पे इसने, सिंपल पानी से धोया मुंह, मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सामान हमने थोड़ा बहुत डाल दिया इसमें, अभी 3-4 बैग और आएंगे, देख लो, फायदा हो गया इनोवा लेने का, फैमिली कार लेने का। अभी यहाँ पे और भी सामान आ सकता है, बाकी हम तो सिर्फ 5 लोग ही हैं, हम तो आगे बैठ जाएंगे आराम से, 2 आगे 3 बीच में। तो अभी गाइज रेडी हैं निकलने के लिए, सभी आ रहे हैं और अभी टाइम हो चुका है 7:10, 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो हमको जाना है अराउंड 150 किलोमीटर, जिसको करने में अराउंड 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज पहाड़ों का रास्ता है पूरा और इतनी लंबी ड्राइव करनी है मुझे पहाड़ों पे, वो भी पूरी फैमिली के साथ में, तो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ, बट आराम आराम से चला लूँगा। ये देखो चादर डाल ली ओरियो के लिए, ताकि ओरियो के बाल ना लगे, हैं अम्मी चले ओरी। Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. तो गाइस काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है पहाड़ों में ड्राइव करके पूरी फैमिली के साथ में। क्या मस्त मस्त व्यू आ रहा है, पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है पहाड़ों में, जो कि आपने देख ही लिया होगा। बट एक प्रॉब्लम है, मम्मी और पीयूष की उल्टी वाली, मम्मी जी का वर्त था आज, बट मम्मी जी को उल्टी आ गई, सारा वर्त टूट गया, इसीलिए पीयूष को आगे बिठा दिया, इसको भी हो रहा था। हम कहाँ रहते हैं यार, हम जन्नत में रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके, हमने फर्स्ट ब्रेक लिया है, एक्चुअली इसको ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या हुआ, क्या हुआ, और ये को पानी वगैरह पिला देते हैं। बाय द वे क्या देखो गाइस, लोग यहाँ पे आते हैं और खा भी कैसे फेंक देते हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा मेरी तरफ से। तो अभी कुछ सब्सक्राइबर्स मिले हैं गाड़ी में, उन्होंने रुकने के लिए बोला तो मैं रुक जाते हैं यार, हम भी थोड़ा बाहर घूम लेंगे। ओलू, हेलो, हेलो, कैसे हो? अच्छा हूं, मैं की रोज वीडियो देखती हूं, मेरा सपना, मैं हल्द्वानी हूं, मेरा सपना है कि मुझे साहू जोशी से मिलना है। अरे आप आ रहे हो 2-3 दिन से, राइट पे आए थे उस दिन आप, तो मैं सोच रही मुझे जाना है, इसलिए मैं आई थी यहां घूमने, और सबसे ज्यादा पीयूष की बड़ी फैन। काफी अच्छा लगता है जब मिलता है ना कोई इस तरह से। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे रुके हैं खाने पीने के लिए, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। तो मैंने तो छोले मंगवाए थे, मेरे छोले तो आ चुके हैं, तो क्या खाएगा, क्या खाएगा, कुछ नहीं। मम्मी जी को छोले पसंद नहीं आए, मम्मी कह रही है कि बासी है, मेरे को पता नहीं लगा, मैंने तो खा भी लिए, अगर बासी लग रहा है तो मत खाओ। तो छोले ना पापा जी को पसंद आए ना मम्मी को, कह रहे कि बासी है, मम्मी कह रही मैं बता के आती हूँ। मम्मी मम्मी लड़ाई करके आएगी अब। पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो गाइस बड़ी में WWE करके आ गई और बड़ी में जीत के आ गई है। तो आ चुके हैं बासी छोले खा के। मैंने तो खा लिया, मम्मी पापा तो बिल्कुल भी नहीं खाया, मम्मी ने पहचान लिया और मम्मी ने उसको बोल भी दिया और उसने मान भी लिया, उसने पैसे भी नहीं लिए, आज तो मम्मी ने डांट दिया उसको। तो अभी हम अल्मोड़ा पहुंच गए और यहाँ से इतना प्यारा व्यू है कि हमको रोकना पड़ी, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज्यादा। Nobody to hold on to, ooh. Why am I the only
तो हमने अल्मोड़ा क्रॉस कर लिया है, यहाँ सिर्फ 2 घंटे और लगेंगे हमको बस, हम अपने गांव में पहुंच जाएंगे। बाकी पीछे का व्यू चेक करो, पीछे आ गया, चारों साइड का व्यू प्यारा है, चारों साइड। चले गए अम्मी जी, फिर लेट हो जाएंगे। हाँ पानी पिला दो, मम्मी को ध्यान रहता है इसको, पानी पिलाते रहना है। तो भी हमको यहाँ पे पानी का धारा मिला है, तो गाड़ी साफ कर लेते हैं, पूरी गंदी कर दी पीयूष और मम्मी ने। क्या कर दिया ये, अच्छे पहले पहाड़ों पे आए थे, गाड़ी गंदी हो गई। तो गाड़ी हमने साफ कर दी अच्छे से, अब बस दोबारा ना कर दे कोई। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे जूस लेने के लिए, बुरांस का जूस। तो यहाँ पे आओ तो इस वाली शॉप में ट्राई करना, बुरांस का जूस काफी मस्त होता है। तो अभी हम पहुँच गए सोमेश्वर, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर बाकी है। यहाँ हमने चाचा चाची को बुला लिया था, तो वो यहीं पे होंगे। फिर उसके मैं आपा कुनाली भी होगा क्या? हाँ। तो फाइनली कुनाली हमसे मिल चुका है। ओरियो कह रहा है ये कौन आ गया, ओरियो कह रहा है कि कुनाली क्यों पकड़ रखा है। पापा जी और चाचा जी गए मार्केट में कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, ओरियो मेरे साथ में यहाँ पे, लेकिन इसने कुछ लगा लिया अपने आप पे, ब्लैक ब्लैक ग्रीस है। दिखो इधर, ये देखो इसने ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्या लगा लिया यहाँ पे। तो अभी हम गाड़ी में ही आ गए, बाहर काफी गर्मी हो रही थी, अजीब सा लग रहा था। भाई देखो कुनाली हमारे साथ में, कैसा लग रहा है? अच्छा। हमारी गाड़ी में अच्छा। अरे ओरियो और कुनाली की नहीं बनेगी अब, है ना? ये दोनों छोटे छोटे है ना, ये दोनों छोटे छोटे हैं। ओरियो से ऊंची जंप मार कर सर पे मार। आपको ओरियो से डर लगता है? हो गई मम्मी शॉपिंग, हो गई मम्मी यहाँ पे 1 घंटा रुकी है, पूरा 1 घंटा। कुनाली यहाँ बैठ गया, पीयूष यहाँ बैठ गए, पापा जी, अब सब, अब पूरी फैमिली यहाँ पे, बस अम्मा बाबू हैं घर पे। तो अभी हम अपने गांव में पहुँच चुके हैं टोटा सीलिंग। उतरो 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 उतरो। तो अभी अभी जस्ट हम पहुँचे थे, एंड ये फैमिली मिले, इन्होंने रोक लिया हमको। अम्मा याद है जब छोटा सा था, जब लाया था मैं? नमस्कार सबको, सबको नमस्कार। तो फाइनली हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ओ अम्मा ठीक हो? यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत है ना, मैं क्लियर नहीं दिख रहा। कुनाली मैं आपके लिए 2-3 चीज़ें लाया हूँ, 2-3 चीज़ें। पीयूष और कुनाली ने तो आते ही सब कुछ फैला दिया जो भी लाए थे, और ये को बांध दिया यार यहाँ पे। फिलहाल खाना खाने चलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्या बनाए अम्मा, क्या बनाए? दाल भात। तो खाना तो हो गया, अब बर्तन धुलेंगे जो कि मम्मी जी धो रही है हमारे यहाँ पे। मस्त हो रहा था खाना, एकदम मस्त, एक नंबर का, मतलब अलग ही टेस्ट आता है ना यहाँ के खाने में। वो कह रहा है बांध दिया मुझे, कह रहा है बांध दिया। खोल दो, बाहर चल जाएगा, बाहर बंदर बंदर आते हैं। ओरियो की प्रॉब्लम है, ओरियो को यहाँ पे खुला नहीं छोड़ सकते, बिकॉज बाहर चल जाएगा, कहीं भी भाग सकता है वो। ये दोनों भाई तो आते ही बस बैट बॉल खेलने लग गए। एक बॉल तो लग नहीं रही तुमसे, एक भी नहीं लग रही। तो बेसिकली मैं यहीं से हूँ, यही हमारा उत्तराखंडी कल्चर है, और मुझे इस तरह से रहना खाना सब कुछ बहुत पसंद है। और बचपन में यहीं पर रहते थे हम, उसके बाद पापा जी चले गए थे वहाँ पे। यूट्यूब पे आने के बाद लाइफ चेंज हो गया, बट स्टिल मैं अपने उत्तराखंडी कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत पसंद है इस तरह से यहाँ पे रहना, बस इसको फॉलो करते रहेंगे। एंड हमारी चाची आ गई है धारे में पानी लेने के लिए। आप हल्द्वानी कब आ रहे हो ये बताओ? हमारे साथ चाची को साथ में हल्द्वानी लेके जाएंगे। तो अभी फिलहाल मेरे को लग रही है थकान काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज पूरे 7 घंटे लग गए हमको पहुंचने में, तो मैंने ही ड्राइव किया था पूरा टाइम। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था, मैं सेफली अपनी फैमिली को ले आया, तो काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट है मेरे लिए। फिलहाल अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद शाम को निकलेंगे बाहर। ओए शाम तो होने ही वाली है, 4 बज गए। तो अभी गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, 2 घंटा मस्त नींद आई, मैं बहुत थक गया था, अब ठीक लग रहा है। अब फिलहाल शाम की चाय पियेंगे और ओरियो घुमा लेता हूँ थोड़ा। जब से ओरियो आया तब से ओरियो को बांध ही रखा यार, अजीब सा लग रहा है, बट क्या करें यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकते ना। तो अभी गाड़ी को रखने का समाधान भी करना है, बिकॉज अभी तो मेन रोड में खड़ी है, तो रात को मेन रोड में करना ठीक नहीं है, कोई कुछ करके जा सकता है। तो जुगाड़ करते हैं, कहीं रखते हैं इसको कहीं पे। अभी तो यहीं खड़ी है देखो मेन रोड पे, बोरी वैसे तो मैंने कोने पे लगाई है एकदम, बट स्टिल यहाँ पे सेफ नहीं है। तो अभी गाड़ी का जुगाड़ भी हो गया है, रोड से ऊपर यहाँ पे लगा दिया, ये घर खाली पड़ा था किसी का, ये सही पार्किंग है, वहाँ पे हमारा घर है ऊपर हो रहा, वहाँ से दिख भी जाएगी सीधा नीचे। पार्किंग की तो कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ी भी आ सकती है, यहाँ गेट भी काफ़ी बड़ा है, सही है। मौसम मस्त हो रहा है, सामने बादल देखो, बारिश आ सकती है। तो हमारी गाड़ी यहाँ से हमको क्लियरली दिख रही है देखो, यारी तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं, और सामने का व्यू कुछ ऐसा है। तो अभी 8:30 हो चुके हैं, और अभी डिनर टाइम है, पीयूष यहाँ पे है, मम्मी, चाची, कुनाली, साहिल, चाचा जी। यहाँ पे ना लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए रात को शूट नहीं कर पाऊंगा मैं,
भाई तो आज हमारे 7 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं और मैं बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाया बिकॉज आज थक गए थे, काफ़ी ट्रैवल किया था तो सो गए थे आके, तो कल काटेंगे केक वगैरह, केक लाए थे हम बट काट नहीं पाए, अभी फिलहाल डिनर करेंगे, एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा और फिर सो जाऊँगा, बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो खाने में आ जाइए, पता नहीं कौन सब्जी है और रोटी है। तो अभी टाइम है 10:48, एडिटिंग मेरी हो गई है, फिलहाल सारे सो चुके हैं, इसे थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच 7 मिलियन के लिए, बस जल्दी अब 10 मिलियन भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हल्का हल्का।